दिस इज वैभव और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग रेडमी 6A की। तो ये रहा हमारा फ़ोन और इस फ़ोन की अभी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इस फ़ोन में हमें मिल जाता है ये बॉक्स और यहाँ पर कुछ उसकी प्राइसिंग है जो कि आपको दिख रही हो तो 6999 लिखा हुआ है, पर ये एक्चुअल में 5999 रुपीस का है। अब इस फ़ोन में यहाँ पर बैक साइड पे खास कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलर, इसकी डिस्प्ले का साइज़, सीपीयू, बैटरी और रियर कैमरा के बारे में, और यहाँ पर मेड इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है और ये रेडमी 6A बाय Xiaomi है। तो चलिए, मैं इस फ़ोन को एक बार ही अनबॉक्स कर चुका हूँ तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन मिल जाता है हमें Redmi 6A, यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है, यहाँ पर कुछ यूज़र गाइड और थोड़े पेपर वर्क मिलता है, यहाँ पर हमें ये केबल मिलती है और एक चार्जर। तो ये चार्जर तो हमें नॉर्मल चार्जर मिलता है 5 वोल्ट आउटपुट का और ये एक फास्ट चार्जर नहीं है। अब बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखा है 5.45 HD प्लस डिस्प्ले और CPU हीलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर, और यहाँ पर बैटरी हमें 3000 mAh मिल जाती है। तो अब मैं इस फ़ोन को बूट करने जा रहा हूँ और मैं इसको बूट करके सारा डाटा पुट कर आपको अभी बताता हूँ। अब हमारा फ़ोन बूट हो चुका है और इसमें मैंने अपना सारा डाटा भी पुट कर दिया है। अभी इसमें इसकी बात करें इसकी स्क्रीन क्वालिटी की, तो ये ठीक है, और इसमें मैंने कैमरा देखा तो कैमरा भी ठीक है, ये अभी बैक रियर कैमरा है, और फ्रंट रियर कैमरा अभी आपको मैं इसकी फ़ोटोज़ डाल के शो करूँगा। तो अब इस फ़ोन में हमें मिल जाता है रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का। ये फ़ोन का प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी चीप नहीं लगता हमारे हाथों पे। इस बॉक्स में हमें ना तो टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, ना तो हमें बैक कवर मिलता है। ये बात मुझे ख़राब लगी, पर इसके प्राइस के हिसाब से ये ठीक है। अब बात करें इसके लुक की, तो ये लुक में तो अच्छा है ही, पर लुक से इम्पॉर्टेंट इसका वर्किंग है। तो इसमें इसके जो वीडियो था उसमें तो हमें बताया गया था कि ये हैंग होने से है, इसमें ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती और इसमें हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इसमें गेम जैसे पबजी, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं। और इसके बात करें रिव्यू की, तो मैं इसका कोई स्पेसिफिक रिव्यू नहीं देना चाहूँगा, पर जो लोगों का बजट कम है उनके लिए फ़ोन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और उनके लिए फ़ोन बिल्कुल ठीक है। कलर इसमें हमें मिल जाते हैं 5 कलर, रोज़ गोल्ड, ब्लू, ब्लैक एंड गोल्ड एंड वाइट। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को VT व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। प्रोजेक्टर टूल भी मिल जाता है जिसके बारे में आपको बताना भूल गया था, तो मैंने ट्रांजिशन डाल के आपको बताया है। इस फ़ोन में हमें 2 स्लॉट मिल जाते हैं, एक सिम SD कार्ड के लिए और एक नैनो सिम प्लस SD कार्ड के लिए, और कोई स्पेसिफिकेशंस है नहीं। और ये फ़ोन मेरे लिए तो ठीक है और मेरे यंगर ब्रदर को पता नहीं ये पसंद आता है या नहीं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन के साथ में ही आपको बेल आइकन मिलेगा, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।